बल्लभगढ़ में कांग्रेस नेता गिरीश भारद्वाज के नेतृत्व में जनसमूह के साथ फरीदाबाद जिले में बढ़ते जानलेवा वायु प्रदूषण एवं बल्लभगढ़ क्षेत्र में जाम, गंदगी, प्रॉपर्टी आईडी एवं आवारा पशुओं जैसी विभिन्न जन समस्याओं को लेकर गूंगे बहरे कुंभकर्ण की नींद सोए प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन मार्च जनता के जनसैलाब के साथ पंजाबी धर्मशाला मोहना रोड से शुरू होते हुए गुप्ता होटल मेन बाजार, अग्रसेन चौक, अंबेडकर चौक से निकलकर लघु सचिवालय बल्लभगढ़ तक निकाला गया, जहां पहुंचकर उपजिलाधिकारी परमजीत चहल के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज डिमांड करें जो यहाँ के बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, जो नाजायज कॉलोनी काट रहे हैं, जो नाजायज बसों को चला रहे हैं, उनकी वजह से ही प्रदूषण बढ़ रहा है, बड़े अधिकारी अपनी जेलें भरने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर ये कोई आज कार्रवाई होती तो हमारे मन में थोड़ी तसल्ली होती। ऐसा अवैध रूप से प्लॉटिंग हो रही है, अवैध रूप से बसें चल रही है, किन लोगों की ये बसें हैं और क्या कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ आप चाहते हैं? ये सब भाजपा के नेताओं की नाजायज कॉलोनियाँ कटी जा रही हैं, नाजायज बसें भी भाजपा के नेताओं की हजारों की संख्या में चल रही हैं, और इन्हीं की वजह से धूल और धुएं से हमारे दोनों बल्लभगढ़ फरीदाबाद के प्रदूषण की बदहाली जो बनी हुई है। हम मांग करते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों। जो पीला पंजा गरीबों के घरों पर चलता है, वो पीला पंजा नाजायज कॉलोनियों को काटने वाले उद्योगपति और भाजपा के नेताओं के उस पर क्यों नहीं चल रहा है? और जो ये नाजायज बसें इतना धुआं छोड़ रही हैं और यहाँ के लोगों का जीना हराम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जेई को सस्पेंड करने की बजाय अगर उन बस चालकों को अंदर कराते तो शायद यहाँ के लोगों को आज कोई वो थोड़ी बहुत तसल्ली होती। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, सफाई व्यवस्था को लेकर के सख्त एक्शन जो है वो कह रहे हैं कि करा जाएगा यदि कोई लापरवाही करता है तो। टीम भी गठित की गई अधिकारियों की। ये आज जब लोगों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और आज भाई गिरीश भारद्वाज और हमारे साथियों ने जो प्रदर्शन का जो आज यहाँ ऐलान था उसके डर के मारे आज इन्होंने ये छोटी सी घोषणा की है, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री और इनके मंत्री सांसद झूठ बोलने के आदि हैं। जितनी घोषणाएं इन्होंने अब तक की हैं सब की सब झूठ साबित हुई हैं, लेकिन हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में प्रदूषण की मार जो ये हमारा जिला फरीदाबाद झेल रहा है, जिसमें भाजपा के लोग भी इसमें सांस की दिक्कत में वो भी हैं, तो अब हम ये बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। हम थोड़े दिन मुख्यमंत्री की घोषणा का असर देखते हैं, अगर प्रदूषण का स्तर घटता है, नाजायज कॉलोनियों के ऊपर नाजायज कारखाने जो छोटे छोटे प्लॉटों में तब्दील हो रहे हैं, नाजायज बसें जो चल रही हैं इनके ऊपर अगर रोक लगती है तो ठीक है, वरना आने वाला जो हमारा जो कार्यक्रम है वो और सख्त होगा। हम सरकार को मजबूर करेंगे कि हरियाणा के अंदर फरीदाबाद जिले के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें और लोगों को शुद्ध सांस लेने का अधिकार है, लोगों को शुद्ध पानी पीने का अधिकार है जो नहीं मिल रहा है, सफाई होने का अधिकार है जो नहीं हो रही है, तो उसके लिए आज गिरीश भारद्वाज, भाई जगन्नाथ और सारे साथियों ने जो ये इतना अच्छा कार्यक्रम किया है मैं उन्हें बधाई देता हूँ। दलाल साहब, पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं, क्या बात है किस तरीके से रहेगा माहौल? वहाँ जो होगा वो तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अगर आज हरियाणा में चुनाव होता है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा में भाजपा औंधे मुंह पड़ेगी, इनकी जमानतें तक नहीं बचेंगी और ये गांवों में घुस नहीं सकेंगे। लोग इनका इतना सख्त विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव आज करा के देख लें, भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचेगी। करण दलाल ने कहा कि गरीब लोगों के आशियाने पर पीला पंजा चलाया जाता है, जबकि अवैध कॉलोनियां काटने वाले भाजपा नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि आज प्रदर्शन की घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन वो सभी घोषणाएं झूठी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण और साफ सफाई को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा पर क्या काम होता है उसे पर हम नजर रखेंगे, नहीं तो हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे ताकि फरीदाबाद प्रदूषण से मुक्त हो सके। उन्होंने दावा किया कि यदि आज हरियाणा में चुनाव होता है तो भाजपा की हवा निकल जाएगी। हम सब लोग
यहाँ पंजाबी धर्मशाला से चलकर मुक्त होटल से होते हुए अभिषेक चौक से गुजरते हुए अम्बेडकर चौक जाएंगे, उसके बाद हम लोग सचिवालय पर जाकर SDM साहब को ज्ञापन देंगे। महिलाओं की भारी संख्या देखी गई है यहाँ पर, लगभग 500 के आसपास महिलाएं बैठी दिखाई दे रही है, महिलाएं कैसे देखिए पूरी महिलाओं में बहुत भारी जोश है बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरा महिलाओं का, क्योंकि इन्होंने महंगाई की जो चरम सीमा पर पहुंचा दी है उससे महिलाओं की जो चूल्हे हैं उनको बर्बाद करने का काम किया है, उसके विरोध में आज भरपूर महिलाएं भी आपको और 36 बिरादरियों के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे क्षेत्र से तमाम आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग आज इस विरोध प्रदर्शन में आ रहे हैं।